Hello everyone, good morning. Welcome to Menti's Daily News Analysis. Today the two quotes are on social media. The more the social media we have, the more we think we are connecting, yet we are really disconnecting from each other. And second one is, social media is reducing social barrier. It connects people on the strength of human value and not identity. These can be used in essay and make sure you have good points to write an essay on these quotes. Now start करते हैं आज के analysis. आज की first news है General Studies 3 economy के perspective से. Sri Lankan Central Bank moot recast of pension fund, haircut on bond. तो पहले तो ये article में क्या बात हो रही है? ये जो Central Bank है श्रीलंका में, वो consider कर रहा है restructuring और changes बना रहा है pension funds श्रीलंका में. और साथ में जो Central Bank है, वो reduction in value of bond भी suggest कर रहा है. That means the haircut. So ये haircut कैसे impact करेगा bond holder को? ये ऐसे इम्पैक्ट करेगा कि जो वैल्यू आपको जब बॉन्ड मैच्योर होनी थी वो मिलनी थी, अब आपको उससे कम वैल्यू मिलेगी. अब हम देखते हैं कुछ टर्म्स जो कि आर्टिकल में यूज की गई है. पहला तो है हेयरकट. हेयरकट रेफर्स टू अ रिडक्शन अप्लाइड टू द वैल्यू ऑफ एन एसेट. अब हम इसको पहले समझते हैं बड़ी आसान लैंग्वेज में कि वॉट डज द हेयरकट मीन. सो मान लीजिए जैसे कि जब बैंक आपको लोन देता है तो आपसे वो लेता है कोलैटरल. अब बैंक ने आपको दिया 1 लाख का लोन और आपने भी उसी एसेट वैल्यू की एक आपने कोलैटरल दे दिया बैंक को. बट मार्क जो बैंक है वो कभी भी इसी वैल्यू को अज्यूम नहीं करेगा, मतलब एक्चुअल वैल्यू को नहीं लेगा कि इस वैल्यू का क्या है. वो मेरे से रिस्क लेके चलता है कि इनकेस अगर लोन वापस नहीं आया तो क्या होगा. तो वो आपका 80,000 इस लोन की वैल्यू कंसिडर करके चलेगा. तो जो उसने ये 20% रिडक्शन करी, दैट्स दी हेयरकट, मतलब एक्चुअल वैल्यू माइनस मार्केट वैल्यू. नेक्स्ट जो टर्म यूज हुई है वो है पैरिस क्लब. तो ये मोस्टली एक ग्रुप है वेस्टर्न क्रेडिटर कंट्रीज का, जो कि आपको सस्टेनेबल डेप्ट रिलीफ सॉल्यूशंस देता है उन कंट्रीज को जो कि अपने बायलैटरल लोन्स रीपे नहीं कर पाते हैं. नेक्स्ट जो ऑर्गेनाइजेशन यूज हुई है वो आपका है IMF, दैट स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, जो कि इनिशिएट हुई थी 1944 में ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस में. ऑब्जेक्टिव क्या IMF का? फाइनेंशियल स्टेबिलिटी सिक्योर करना, पॉवर्टी कम करना इन एंड अराउंड वर्ल्ड, एंड टू प्रमोट द बैलेंस इंटरनेशनल ट्रेड. अब आपको यहाँ पे ध्यान रखने वाली ये चीज है कि IMF कभी भी स्पेसिफिक प्रोजेक्ट्स के लिए लेंड नहीं करता. ओनली जब कोई क्राइसिस है तभी आप IMF के पास जा सकते हो लोन के लिए. अब हम देखते हैं इसी पे कि UPSC ने क्या क्वेश्चंस पूछे थे. तो G20 कॉमन फ्रेमवर्क को पूछा था कि ये इनिशिएटिव है एंडोर्स बाय G20 टुगेदर विद द पेरिस क्लब, और ये इनिशिएटिव है टू सपोर्ट लो इनकम कंट्रीज विद सस्टेनेबल डेब्ट. तो इसका आंसर है दोनों स्टेटमेंट सही है. और आपको यहाँ पे ये चीज याद रखनी है कि इंडिया पेरिस क्लब का मेंबर नहीं है फॉर आपके आने वाले एग्जाम के लिए. सेकेंड स्टेटमेंट जो IMF में पूछा गया था कि रैपिड फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट और रैपिड क्रेडिट फैसिलिटी, ये जो लेंडिंग प्रोविजन है ये आपकी IMF के साथ रिलेटेड है. नेक्स्ट आपका है जनरल स्टडीज 3 इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से इन्फ्लेशन के ऊपर. तो व्हाट डज इन्फ्लेशन मीन, कि हमें कुछ मेजर्स लेने पड़ेंगे इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए. इन्फ्लेशन क्या होती है? जब प्राइस इंक्रीज होता है गुड्स और सर्विसेज का, और इसी का ऑपोजिट होता है डिफ्लेशन, जब आपका फॉल इन प्राइस होता है. और इसी के दो इंडेक्स पे हमने कल बात करी थी कि WPI होलसेल लेवल पे और साथ में CPI कंज्यूमर लेवल पर आपका जो इन्फ्लेशन मेजर की जाती है. अब हम इसी पे देखते हैं दो क्वेश्चन जो UPSC ने पूछे थे. एक तो पहला कि फिस्कल स्टिमुलस को कौन सी स्टेटमेंट से ही डिस्क्राइब करती है. व्हाट इज फिस्कल स्टिमुलस, पहले तो हमें ये जानना है. तो व्हाट इज फिस्कल स्टिमुलस, इसकी हमें अपनी बूस्ट करनी है इकोनॉमिक एक्टिविटी. ये होता है मेन मीनिंग ऑफ फिस्कल स्टिमुलस, मतलब हमें यूज करनी है एक्सपेंशनरी पॉलिसी. अब हम देखते हैं इसी टर्म को लेकर क्या डेफिनेशन बनती है और क्या क्वेश्चन है. तो ये मैसिव इन्वेस्टमेंट है बाय द गवर्नमेंट इन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर टू इंश्योर सप्लाई ऑफ गुड्स टू मीट द डिमांड सर्ज कॉज्ड बाय रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ, नहीं. ये इंटेंस एफर्मेटिव एक्शन है गवर्नमेंट का इकोनॉमिक एक्टिविटी को बूस्ट करने के लिए कंट्री में. दैट इज द करेक्ट ऑप्शन, तो बी इज द आंसर. एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है इन्फ्लेशन बेनिफिट द डेब्टर एंड इन्फ्लेशन बेनिफिट द बॉन्ड होल्डर. इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे. ऑलरेडी इन्फ्लेशन पे, इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट पे हैव क्रिएटेड वीडियो. प्लीज स्टूडेंट्स डू सी एंड रिवाइज योर कंसेप्ट रेगुलरली. ये बहुत ही कॉमन कंसेप्ट है जो पूछे जाते हैं, और इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में ही दिया जाएगा. नेक्स्ट है जनरल स्टडीज 1 ज्योग्राफी के परस्पेक्टिव से, कि आप देख सकते हो यहाँ पे झूम कल्टिवेशन की बात हो रही है, जो आसाम में पैडी कल्टिवेट करते हुए दे आर प्रैक्टिसिंग. तो झूमी नॉर्थ ईस्टर्न में बोलते हैं, जैसे कि आसाम, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड,
और जो झूमिन है उसको स्लैश बर्न एग्रीकल्चर भी बोलते हैं, और डिफरेंट कंट्रीज में भी इसके अलग अलग नाम है, जैसे कि मेल्पा मेक्सिको में, कॉनुको वेनेजुएला में, रोका ब्राजील में, मैसोल सेंट्रल अफ्रीका में, लडान इंडोनेशिया में और रे वियतनाम में। नेक्स्ट न्यूज़ है आपकी जनरल स्टडीज टू पॉलिटी के परस्पेक्टिव से, कि डीलिमिटेशन की बात हो रही है कि हमें डीलिमिटेशन जो असम का बिल अभी प्रपोज हुआ है उसको एक्सप्लोर करना है। तो पहले तो हम ये देखते हैं पहले तो कि डीलिमिटेशन होता क्या चीज़ है। तो डीलिमिटेशन स्टूडेंट्स इज आर्टिकल 82 कि हम जो हर सेंसस के बाद जो अलोकेशन होती है लोकसभा सीट्स की उसको हम रीएडजस्ट करते हैं। तो डीलिमिटेशन इज अ प्रोसेस ऑफ रीड्रॉइंग बाउंड्रीज ऑफ लोकसभा एंड स्टेट असेंबली बेस्ड ऑन अ रीसेंट सेंसस टू इंश्योर कि हर सीट का अपना ऑलमोस्ट इक्वल नंबर ऑफ वोटर्स हो। अब ये असम का क्या इशू चल रहा है, ये आपका असम का इशू क्या चल रहा है। असम का जो प्रपोजल आया था वो ये था कि 126 जो आपकी असेंबली सीट्स है और जो 14 आपकी लोकसभा सीट्स है ये सेम रहेगी, लेकिन जो एससी और एसटी शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब की जो आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसीज है वहां पे आपको इंक्रीज देखने का मिला सीट्स का। तो इसका फिर मेन प्रोविजंस क्या हुई जो मेन न्यूज में है वो है कि हमें इंक्रीज्ड रिजर्व्ड सीट्स, सेकंड जो डिस्ट्रिक्ट ऑटोनॉमस काउंसिल के साथ है वहां पे भी आपको ज्यादा सीट्स है, मोर सीट्स आर देयर, असेंबली हैज इंक्रीज्ड, एंड तीसरा नॉमनक्लेचर चेंज भी आया है, जैसे कि जो आपका काइला बोर लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी है उसको काजीरंगा रीनेम कर दिया गया है, एंड ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस थी डिलिमिटेशन के साथ आर्टिकल 82। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इज जनरल स्टडीज टू इकोनॉमी के परस्पेक्टिव से द ओपन मार्केट सेल स्कीम फॉर वीट एंड राइस, क्योंकि अभी जो फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है उसने कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगा दी स्टेट्स को मना करते हुए प्रोक्योर करने के लिए फूड ग्रेन्स टू ओपन मार्केट सेल स्कीम। सो व्हाट इज ओपन मार्केट सेल स्कीम, जब एफसीआई टाइम टू टाइम जो सरप्लस फूड ग्रेन है वो सेंट्रल पूल से लेकर जो ट्रेडर बल्क कंज्यूमर रिटेल चेन्स को प्री डिटरमाइंड प्राइस पे सेल करता है। अभी एफसीआई करता कैसा है, ई ऑप्शन के थ्रू, जहाँ पे ओपन मार्केट बिडर स्पेसिफाइड क्वांटिटीज बाय कर सकते हैं। तो ये था आपका इकोनॉमी के परस्पेक्टिव से। ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो आज इन क्विज में पूछे गए हैं हिंदू में, तो इसमें से जो आपके एग्जाम के लिए है वो आपका पहला क्वेश्चन, नेम द रेजिमेंट दैट द सिपाही मंगल पांडे बिलोंग टू, दैट वाज बंगाल नेटिव इन्फेंट्री रेजिमेंट ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। फिर देन द नेक्स्ट क्वेश्चन कैन बी आस्क कि जो पाकिस्तान आर्मी टू कर्ब द बंगाली नेशनलिस्ट मूवमेंट के लिए ऑपरेशन सर्च लाइट चलाया गया था, एंड टुडे इन द वोकैबुलरी वर्ड ऑफ द डे इज इनफैमी व्हिच मींस अ स्टेट ऑफ एक्सट्रीम डिसऑनर, और इसके सिनोनिम्स है डिसग्रेस शेम एंड डिसरिप्यूट। नेट्स कम जनरल स्टडीज थ्री साइंस के परस्पेक्टिव से, इंडिया का लार्जेस्ट रेडियो टेलीस्कोप प्लेस वाइटल रोल इन डिटेक्टिंग यूनिवर्स वाइब्रेशन, किसकी बात हो रही है, जीएमआरटी जाइंट मेटावेव रेडियो टेलीस्कोप, जो कि एक लो फ्रिक्वेंसी रेडियो टेलीस्कोप है जो आपको इन्वेस्टिगेट करने में हेल्प करता है रेडियो एस्ट्रोफिजिकल प्रॉब्लम, जो कि रेंज करती है फ्रॉम नियर बाय सोलर सिस्टम टू द एज ऑफ द ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स। तो ये इसके बारे में बात हो रही है। तो ये थी आज की एनालिसिस, आई होप आपको इससे बेनिफिट हो रहा होगा। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू मेंटी अकेडमी फॉर ऑल द अपडेट्स, एंड फॉलो अस ऑन टेलीग्राम @ मेंटी IAS, एंड फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम इवन। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।